ठीक है, मानता हूँ ये एक इमोशनल कहानी है पेरेंट्स और एक बच्चे की, बट इसमें जो बैकड्रॉप है, वॉलपेपर है, वो स्पोर्ट्स का है। स्पोर्ट्स क्यों? बहुत रिलेवेंस है स्पोर्ट्स का इसमें, क्योंकि चिराग जो किरदार प्ले कर रहे हैं, उनके जो फादर हैं, जो कबीर जी प्ले कर रहे हैं, ही वॉज अ टेनिस प्लेयर, लेकिन वो उस फील्ड में अपना मार्क नहीं बना सके। अच्छा। और एक मुकाम पे उन्होंने गिव अप कर दिया, और टेनिस कहीं रीजन था उनका और वाइफ के स्प्लिट की वजह से। ओके। तो ये बैकड्रॉप है, और कबीर साहब जो फादर प्ले कर रहे हैं, वो नहीं चाहते थे कि बच्चा टेनिस खेले, लेकिन इनहेरेंटली वो ब्लड में, उसका क्या करें। सही बात है। तो फाइनली वो होना ही था, जो बाप के जीन्स आए, तो ये लड़का टेनिस खेलता और बहुत अच्छा खेलता है। राइट। और बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है टेनिस का फिल्म में, जो आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि क्या चीज है टेनिस और किस तरह उसको हमने ब्लेंड किया और प्रोजेक्ट किया। राइट। तो ये क्या, ये जो कहानी है वो किसी सत्य घटना से इंस्पायर्ड है या कोई फॉरेन फिल्म से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि कहानी हर तीसरे आदमी की हो सकती है। राइट। क्योंकि इस जमाने में जब जिंदगी में इतनी कशमकश, परेशानियां, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन है, और रिश्तों की पकड़ और मजबूती खत्म होती जा रही, और खासकर हम अपने अतराफ में देखें तो बार बार ये चीज़ें नज़र आती हैं कि छोटी छोटी बातों से रिश्तों में दरार पड़ जाती हैं, हस्बैंड वाइफ अलग हो जाता है। सही। और मेरे अतराफ ऐसे बहुत से किस्से हैं जिन्होंने मुझ पर बहुत असर किया। दो समझदार लोग अपनी समझदारी के लिए कि जिंदगी सुकून से जी सकें अलग हो जाते हैं, लेकिन उसका रिप्रिकॉशन जो है बच्चों पर, उसका उनका कोई कसूर नहीं होता सेपरेशन में, लेकिन उसकी सजा वो भुगतते हैं। बहुत सही। उस पीड़ा, उस तकलीफ, उस दर्द को मैंने बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है, और वही मैं कहना चाहता हूँ। वही जो मेरा मेन प्रोटैगनिस्ट है इस फिल्म का, वो लड़के की तकलीफ यही है कि यार आप लोग तो अलग हो गए, लेकिन वो बिजली मुझ पर गिरी आपके बंटवारे की, वो तकलीफ मैंने सही, वो जिंदगी भर डिप्राइव्ड रहा वो उस प्यार के लिए, क्योंकि बच्चा बढ़ जाता है और इस कश्मकश में हर कोई प्रूफ करने की बच्चे से एक कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा सही हूँ या मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ, और वो जो एक मैनिपुलेशन बच्चे में आ जाता है, वो कश्मकश मैंने बहुत करीब से देखी है कि वो सोचता है माँ बाप तो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, मैं बाप के साथ हूँ तो ऐसी बात करूँ जो बाप को पसंद हो। सही। मैं माँ के पास हूँ तो ऐसी बात करूँ जो माँ को पसंद हो। तो उस प्रोसेस में उसका बचपन कहीं खो जाता है, गुम हो जाता है। बहुत सही।